नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बड़ा तबादला, 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। कुंदन कृष्णन बने बिहार पुलिस के एडीजी। बिहार कैबिनेट में 33 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कृषि सेवा के पदों का होगा सृजन। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क का होगा निर्माण। स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर हुआ जारी। के पाठक का बदला फैसला, 2025 के लिए 72 छुट्टियां हुई निर्धारित। मनोज वाजपेयी की नई ट्रेलर हुई रिलीज। डिस्पैच में वाजपेयी क्राइम जर्नलिस्ट के रोल में आएंगे नजर। IFFI में भी फिल्म को मिली थी सराहना। गूगल ड्राइव के स्टोरेज हो गए हैं फुल, फाइल्स नहीं हो रहे हैं अपलोड, तो ऐसे स्टोरेज करें खाली। रेलवे ने किया बड़ा फैसला, अब हर 15 दिनों पर होगी ट्रेन के कंबलों की सफाई। 1 महीने पर कंबल साफ करवाने पर हुई थी रेलवे की आलोचना। 6 दिसंबर को एडिलेड में दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच। मैच से पहले कोहली का प्रैक्टिस वीडियो आया सामने। वीडियो में चोटिल दिखाई दिए कोहली। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने 723 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती फायरमैन, ट्रेड्समैन, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर आदि के पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट aocrecruitment.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं के साथ ड्राइविंग लाइसेंस या RTI, 12वीं ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर लगी। इन फैसलों में बिहार कृषि सेवा के पदों का सृजन, पटना में शंकर नेत्रालय को भूमि आवंटन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा कर्मियों के वेतन की स्वीकृति और सहरसा में पर्यटन विकास के लिए 58 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत 493 पंप ऑपरेटर पदों का सृजन, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों में जीविका दीदी द्वारा भोजन व्यवस्था और बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। ऊर्जा विभाग की 3 योजनाओं को भी स्वीकृति मिली। साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क निर्माण और मंत्री आवास परिषद में नए आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। बिहार में 7 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। 1994 बैच के IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और अब उन्हें बिहार पुलिस का एडीजी मुख्यालय नियुक्त किया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते के एडीजी पंकज दराद को एडीजी विधि व्यवस्था की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह गंगवार को DG नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, जबकि संजय सिंह को एडीजी प्रशिक्षण बनाया गया है। BSAP के IG सालीन को ATS का IG और विवेक कुमार को भागलपुर का DIG नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ पंकज दराद के पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। बिहार सरकार ने शिक्षकों की समस्या का समाधान और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के ट्रांसफर, वेतन विवाद और अन्य मांगों पर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उनके नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग दी जाएगी। वेतन विवादों के समाधान के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी जो शिक्षकों की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और उनकी जानकारी डिजिटल शिक्षा बुक में दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी धर्मों के पर्वों और छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी किया है। सिद्धार्थ ने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। बिहार में जहां विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है, बिहार सरकार जल्द ही उन गांवों की सूची जारी करेगी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शनी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने पहले चरण के भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से ऐसे गांवों का विवरण मांगा है। इस पर समीक्षा बैठक बुधवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सचिव जय सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत राज्य स्तर पर यह अधिसूचना जारी की जाएगी।
जिन जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है उनमें बांका, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा आदि शामिल है। एक नियुक्ति पत्र के जरिए दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया जा रहा है और 32,500 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र पर भरोसा करने से बचें। सरकार द्वारा ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। बिहार में राज्य के 71,863 स्कूलों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, जहां 1.40 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इस जांच का उद्देश्य अशुद्ध पानी की समस्या को हल करना है, क्योंकि छात्रों और शिक्षकों ने पानी की अशुद्धता की शिकायत की है। कई स्कूलों में मिड डे मील के लिए पानी के स्रोत स्थानीय घरों पर निर्भर होते हैं। विशेष रूप से गंगा किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज़्यादा है। जाँच के दौरान पानी की क्वालिटी, टंकी की सफाई, पाइप स्थिति, पानी में मिनरल्स की मात्रा आदि की जांच की जाएगी। दूषित पानी वाले स्कूलों में पानी का स्रोत बंद किया जाएगा और सबमर्सिबल पंप लगाए जाएंगे। साथ रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी। रेलवे ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिलने वाले कंबलों की सफाई की सीमा को 15 दिन कर दिया है। पहले कंबल हर महीने धोए जाते थे, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संसद में दिए गए बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंबल की सफाई महीने में एक बार होती है, रेलवे की बड़ी आलोचना हुई थी। अब उत्तर रेलवे ने यह फैसला लिया है कि कंबल हर 15 दिन में धोए जाएंगे और पखवारे में एक बार कीटाणु रहित किए जाएंगे। जम्मू और डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेनों में हर चक्कर के बाद कंबलों का यूवी रोबोटिक सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पूरे साल में कुल 72 छुट्टियां दी गई हैं। इनमें से 7 छुट्टियां रविवार को पड़ेंगी, होली पर 2 दिन, दिवाली और छठ पूजा पर 10 दिन और दुर्गा पूजा पर 5 दिन छुट्टी रहेगी। गर्मी की छुट्टियां 20 दिन की होंगी, जबकि महाशिवरात्रि, हरतालिका तीज, ईद, बसंत पंचमी जैसे अन्य प्रमुख तिथियों पर 1-1 दिन की छुट्टी रहेगी। इस कैलेंडर से गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर स्कूल खुलेंगे। स्कूलों में छुट्टियों को लेकर जारी हुए कैलेंडर से अब पूर्व एसीएस के पाठक का फैसला भी बदल गया है। के पाठक ने महान व्यक्तियों की जयंती पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अब ऐसे अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता बिहार के मनोज वाजपेयी अपनी नई फिल्म डिस्पैच के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। यह फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म में मनोज वाजपेयी क्राइम जर्नलिस्ट के रोल में है, जो 8,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा करते हैं, जो 2G और T20 मैच से जुड़ा हुआ है। डिस्पैच का प्रीमियर गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में हुआ था, जहां फिल्म को खूब सराहा गया। फिल्म का ट्रेलर 3 दिसंबर को रिलीज हुआ। ये फिल्म 13 दिसंबर 2024 को OTT प्लेटफॉर्म और G5 पर स्ट्रीम होगी। बिहार सरकार ने जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी को और सख्त करने का निर्णय लिया है। अब राज्य की सभी जलापूर्ति योजनाओं की रोजाना जलास्तर पर निगरानी की जाएगी। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने मंगलवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदक को पंप ऑपरेटर से रोजाना योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा उन्होंने राज्य और जिला स्तर पर रोजाना कम से कम 50 पंप ऑपरेटर से संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेने का आदेश दिया है। यदि कोई समस्या आए तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस नई व्यवस्था से जल आपूर्ति योजनाओं की निगरानी और प्रभावी होगी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ठंड बढ़ने लगी है, जिससे बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में लोग अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल अधिक करते हैं, ताकि ठंड से राहत मिले। हालांकि सर्दियों में कार का इंजन स्टार्ट करने में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए सर्दियों की शुरुआत से पहले कार की सर्विसिंग जरूर करवा लें, ताकि इंजन सही से काम करे। सर्दियों में टायरों का दबाव भी कम हो जाता है, जिससे माइलेज और टायर की स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए टायरों की नियमित जाँच करें। साथ ही कार में एक इमरजेंसी किट रखनी चाहिए, जिसमें टॉर्च, बैटरी, कंबल, फर्स्ट एड किट और जंपर केबल आदि शामिल हो, ताकि ठंड में गाड़ी चलाते समय आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
आप घर बैठे खुद से बिजली का बिल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सुविधा ऐप पर जाना होगा, वहां बिल जनरेट सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना होगा। अपनी उपभोक्ता संख्या डालें, बिल जनरेट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें, फिर अपने लोड की श्रेणी चुनें, उसके बाद अपनी मीटर रीडिंग भरें और मीटर की फोटो अपलोड कर बिल जनरेट करें। इससे आपको तुरंत बिजली बिल की जानकारी मिल जाएगी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। जनवरी 2025 में मंथली एग्जाम को समाप्त कर दिया जाएगा और अब कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए वीकली टेस्ट होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 2025 से त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि सेंटअप एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होगा। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ली जाएंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। हर सोमवार को छात्रों का टेस्ट लिया जाएगा और छुट्टी के दिन के बाद अगले कार्य दिवस में साप्ताहिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आजकल के डिजिटल युग में लोग अपनी फाइल्स और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। गूगल ड्राइव 15 GB तक का फ्री स्टोरेज देता है, लेकिन जब ये भर जाता है तो नई फाइल्स अपलोड करने में समस्या आती है। अच्छे से स्टोरेज प्रबंधित करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले अपनी गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज में अनावश्यक फाइल्स और बड़े अटैचमेंट्स को डिलीट करें। गूगल फोटोज में हाई क्वालिटी बैकअप का ऑप्शन चुनें। शेयर्ड विथ मी सेक्शन में गैर जरूरी फाइल्स हटाएं। गूगल स्टोरेज टूल का इस्तेमाल करें ताकि बड़ी फाइल्स को आसानी से ढूंढकर हटाया जा सके। अगर फिर भी स्टोरेज कम हो तो दूसरा गूगल अकाउंट बनाकर अतिरिक्त फाइल्स वहां अपलोड कर सकते हैं। बिहार में हल्के ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सर्दी के मौसम में तेजी नहीं आई। सुबह और शाम होते ही ठंड का एहसास तेज हो जाता है, लेकिन दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होती है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना यानी NMMS के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT बिहार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 दिसंबर 2024 कर दिया है। पहले ये तिथि 1 दिसंबर 2024 थी। अब इच्छुक और योग्य छात्र इस तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता मानदंड में कक्षा 8 में नामांकित होना, कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक लाना, SC ST के लिए 50% अंक लाना और परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। परीक्षा दो भागों में होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा यानी MAT और शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी SAT। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट SCERT.bihar.gov.in पर 7 दिसंबर 2024 से पहले किया जा सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग को ये शिकायतें मिल रही हैं कि वे निर्धारित समय सीमा में शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र डेटा अपलोड करें, अन्यथा संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। विभाग ने यह भी कहा है कि जो शिक्षक या कर्मचारी नियमित नहीं है उनका ब्यौरा तुरंत भेजा जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार 2024-25 में 345 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। विभाग ने चेतावनी दी है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने पर संबंधित मदों में दी गई राशि काट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा में टॉप करने वाले मैट्रिक और इंटर के छात्रों को सम्मानित किया। इन्हें मेडल 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिए गए। बीते दिन ये समारोह ज्ञान भवन में हुआ था, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर आयोजित मेधा दिवस के रूप में मनाया गया। शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक में पहले रैंक वाले शिवांकर, इंटर साइंस के टॉपर मृत्युंजय और अन्य टॉपर्स को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए 10 जिलों के DM को भी सम्मानित किया, जिसमें पटना, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, मधुबनी, दरभंगा, भोजपुर और पूर्वी चंपारण के DM शामिल हैं। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले युवक रामबाबू ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद रामबाबू ने बताया कि पप्पू यादव के किसी समर्थक ने उसे वीडियो बनाकर वायरल करने के लिए पैसे और नेता बनाने का ऑफर दिया था। ये वीडियो 1 महीने पहले बनाया गया था, जिसमें पप्पू यादव को सरकार से सुरक्षा मिलने की बात कही गई थी।
पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने राम बाबू को वीडियो वायरल करने के लिए उकसाया था। वहीं इस मामले को लेकर पप्पू यादव का जवाब भी सामने आया है, जहां उन्होंने बिहार पुलिस पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब तक 26 बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, जिसमें मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल से आए कॉल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब तक इन धमकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ हमला बोला है। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने कहा था कि विराट कोहली उनके नेतृत्व में खेले थे, जिससे जदयू नेता ने सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी के क्रिकेट करियर का खुलासा किया, जिसमें बताया कि तेजस्वी ने कुल 7 मैच खेले, जिसमें 37 रन और 1 विकेट थे। नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं और अपनी झूठी पहचान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को बिहार की बड़ी उपलब्धि बताया और 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के 200 सीटों के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। आज मुंगेर में तेजस्वी यादव की तीसरे चरण की कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव मुंगेर 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं। यात्रा के दौरान वे राजद कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और पार्टी की कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। संवाद कार्यक्रम आज 11 बजे से शुरू होगा। यात्रा पर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला था। उन्होंने सीएम की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि आश्चर्य किया कि सीएम नीतीश को जनता से केवल संवाद करने के लिए 252 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। इस दौरान तेजस्वी ने सवाल खड़ा किया कि सीएम नीतीश को अपनी मालिक जनता के बीच में ही जाना है, उनसे ही संवाद करना है, तो 252 करोड़ रुपए कहां खर्च होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में 6 दिसंबर से दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में पर्थ में भारत ने जीत हासिल करते हुए 1-0 की बढ़त बनाई है और अब वो अपनी बढ़त को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस बीच विराट कोहली के चोटिल होने की खबरें सामने आई हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रैक्टिस के दौरान कोहली के घुटने पर बैंडेज बांधते हुए मेडिकल स्टाफ नजर आए, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। हालांकि कोहली को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे किसी परेशानी में। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाने के बाद अब एडिलेड टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बनाए गए थे। आज के दिन वर्ष 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बैटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का ऐलान किया था। आज के दिन वर्ष 1959 में भारत और नेपाल के बीच गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज के दिन वर्ष 1967 में देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में प्रसिद्ध इतिहासकार और प्राचीन भारतीय इतिहास की अध्ययनकर्ता रोमिला थापर को क्लूज सम्मान के लिए चुना गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों के बारे में बताया है कि 2000 रुपये के 98.01% नोट वापस आ चुके हैं। 19 मई 2023 को बाजार में मौजूदा 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 6,839 करोड़ रुपए रह गया है। ये नोट अभी वैध हैं, उन्हें RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में थी, अब इन्हें RBI के 19 कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारा पहला सवाल है, ICC का अध्यक्ष बनने वाले जैसा कौन से नंबर के भारतीय हैं? ऑप्शन है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है पांचवे। इसका सही उत्तर है पांचवे। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है वू लुओ यू, ऑप्शन सी है तनिषा क्रास्टो, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है PV सिंधु। किस राज्य ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लेने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। बिहार में पिरिया व्रत किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भोजपुरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है मिथिला, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भोजपुरी क्षेत्रों में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पूर्णिया, कटिहार,
ऑप्शन बी है नालंदा पटना, ऑप्शन सी है गया नवादा, ऑप्शन डी है दरभंगा मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है नालंदा पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है आलोक प्रियदर्शी, ओमकार सिंह, रामबाबू दास, बिरजू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोतीलाल कुमार, अब्दुल मनन, मिथिलेश ठाकुर, राजकिशोर महतो, प्रदीप पंडित, रणधीर कुमार, गगन कुमार, सूरज रॉय, भरत प्रसाद, नौसाद रजा, संजीव कुमार झा, ललित यादव, अतीक खान, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, सुमित कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा की जगह अब साप्ताहिक परीक्षा होगी, इससे बच्चों को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।